خير من النوم. सफर उठ गया बेटा? जी, आपने अब्बा से बात की भाई के एडमिशन के लिए? नहीं, अभी तो बात नहीं की है। रात को भी तुम्हारे अब्बा इतना लेट आए, हनीफ साहब के साथ हॉस्पिटल में थे और अभी तो बेचारे वो सो रहे हैं। अल्लाह करे अब्बा मान जाए, भाई बहुत परेशान है। कब मौका मिलेगा आपको बात करने का? बेटा मैं क्या करूं, वो आते इतने लेट है, मैं कब बात करूं उनसे? अब्बा हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? बाहर वालों को तो बहुत खुश रखते हैं वो। ईशल भी शुरू से ही ऐसे हैं। तो यही तो सवाल है मेरा कि वो ऐसे क्यों हैं? बाहर वाले तो इतनी तारीफें कर रहे होते हैं उनकी, और हमने खुद देखा है कि कोई भी जरूरतमंद आए तो उसको इनकार नहीं करते, और हमारे मामले में पता नहीं क्यों मुट्ठी बीच लेते। आप ही बताएं, क्या वो हमारे हुकूक पूरे करे? बेटा हम भूखे तो नहीं मर रहे ना बेटा। मतलब है आपका अम्मी? अगर हम भूखे रहेंगे तभी आप कहेंगी कि अब हमारे हकूक पूरे नहीं करते? और भी कुछ होता है, हम कब तक अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का गला घोटते रहेंगे? ईशा सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। पता नहीं कब कब अब्बा को हमारा ख्याल आएगा। काश हम उनकी सगी औलाद होते ही नहीं, पड़ोसियों की औलाद होते, कम से कम हमारे सामने अच्छाई का दिखावा तो कर लेते। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारे अब्बा हैं, तुम्हारे वालिद हैं। औरों के वालिद भी ना अपनी औलादों के साथ इतना सख्त रवैया नहीं रखते हैं। आप प्लीज अब्बा से कहेगा कि जरा मोहब्बत और प्यार का दिखावा ना हमारे साथ भी कर लिया करें। खैर मैं आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। जी कौन? बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा खुद भाई साहब से मिलना था, मैं आमना पिछले मोहल्ले से आई हूँ। कोई काम था आपको? जी हम इस दरवाजे पे काम से ही आते हैं। कौन है बेटा? अम्मी कोई आमना आंटी हैं, अबू से मिलना चाहती हैं। अच्छा उन्हें अंदर बुला लो। आ जाइए। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खुद भाई साहब से मिलना था। आप बैठिए। वो तो अभी सो रहे हैं। आप क्या लेंगी, नाश्ता चाय? अरे नहीं, वो तो मैं जल्दी इसलिए आ गई थी कि उनसे आसानी से मुलाकात हो जाए, इसकी क्या जरूरत थी। खुद भाई साहब के घर से अगर कोई नाश्ता या खाई पिए बगैर चला जाए तो वो नाराज होते। अरे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मेहमान नवाज हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, सबका ख्याल करने वाले, हर एक की मदद करने वाले। आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो इस अजीम इंसान की शरीके हयात हैं। जी बस अल्लाह का करम है। सफर जो बेटा अपने अब्बू को उठाओ। अरे नहीं नहीं बेटा उनकी नींद खराब मत करो, मैं दोबारा आ जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है,
अबू तो आप जैसे लोगों का वेट कर रहे होते हैं, और अगर उन्हें मालूम हुआ कि आप उनसे मिलने के लिए आई हैं और वो मिल नहीं पाए तो वो बिला वजह खफा हो जाएंगे हम लोगों से। जज़ाक अल्लाह, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं आप। बैठिए, चाय पीजिए। अबू हाँ? वो बाहर कोई खातून आई है आपसे मिलने के लिए। अरे तो बिठाया आपको, नाश्ता वाश्ता कराया, चाय वाय? हाँ अबू, सब करवा दिया, बस अम्मी ने कहा था कि आप सो रहे हैं तो जगाना मुनासिब नहीं है। जाहिल औरत है तुम्हारी माँ। अरे साहिल को इंतजार थोड़ी कराया जाता है, बद्दुआ निकलती है उनके दिल से, और तुम्हारी माँ के दिमाग में तो भूसा बराबर, सारी जिंदगी हो गई समझा समझा कर। क्या कमाल औरत है, और उसी तरह औलाद को बड़ा किया है, बेवकूफ औरत। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, कहिए बहन। वो आपसे पहले भी बात हुई थी ना बेटी की जहेज के लिए। हाँ हाँ, याद आया याद आया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बेटी का जहेज, उसका फर्नीचर सब मेरी तरफ से होगा, और बारात का खाना भी मेरे जो मुखय्यर दोस्त हैं उनसे कहूंगा वो मिलके कर दें, हो जाएगा सब। हाजी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इस पूरे मोहल्ले के लिए आप तो फरिश्ता हैं, और इस पूरे मोहल्ले में दूर दूर तक आपके जैसे बड़े दिल का मालिक नहीं। अरे नहीं बहन, मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, बस अपनी बिसात के मुताबिक करता रहता हूँ। वैसे आप फिक्र ना करें, किसी और चीज की भी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह पूरी कर दूंगा। जी जी, मैंने तो अभी से पूरे मोहल्ले में बताना शुरू कर दिया है कि गुदवाई साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मैं तो हमेशा आपको दुआएं देती रहूंगी, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। चले आपका दिल है तो बता दीजिएगा, बेफिक्र हो जाए, जाए सब ठीक हो जाएगा। देखा आपने, 22 साल से मैं यही बर्दाश्त कर रही हूँ बेटा। अबू के पास हमारे लिए तो कुछ भी नहीं होता, और लोगों पे ये लाखों लुटा देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अब्बा तारीफ के भूखे हैं, इसीलिए वो सबके सामने इतना दिखावा करते हैं, वरना अच्छा इंसान तो वो है जो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ अच्छा। ऐसे नहीं कहते बेटा। अम्मी, अब अबू से साफ कह दीजिएगा कि इस हफ्ते मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मी आप इतना डरती क्यों हैं? वो गैर औरत अपनी बेटी की फरमाइश कर चली गई, और आप उनकी बीवी हैं और आप उनसे दबती हैं। बेटा, घर के सुकून के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। तुम वहीं पढ़ोगे जहां तुम चाहते हो, मैं खुद भी यही चाहती हूँ बेटा। तो ठीक है, आप अब्बू से कह दीजिएगा कि अगर मेरा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ ना तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? कुछ भी करूंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। जाओ बेटा, अपने अब्बू को नाश्ता बना के दो। हमेशा डर डर कर आपने जिंदगी जी, और आपने हम दोनों को भी एक जैसा ही बना दिया, लेकिन अब आपको स्टैंड लेना होगा। अम्मी, अब्बू से कहिए शान और शौकत का जितना दिखावा है ना, इसे ना करें, और अपने बच्चों के फ्यूचर पे तवज्जो दें। मेरे होते हुए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना बेटा। जाओ आज तक दो अपने अब्बू को। साहबजादे, क्या इशारेबाजियां हो रही हैं? कुछ भी नहीं अम्मी। बताओ बताओ क्या कहना चाह रहे हो, खुल के बात करो। आप नाश्ता करें, कुछ नहीं। रजिया बेगम,
एक जवान बच्चा है तुम्हारा, मेरा ख्याल रखा करो, इस पे नजर रखो। मोहल्ले में और पूरे खानदान में मेरी बड़ी इज्जत है। लोग पूछते हैं मुझको, ऐसा कोई काम ना करे जिससे मेरी इज्जत खराब हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। तो फिर बताओ क्या मामला है, क्या चाह रहा है ये? वो हमारे बेटे का ना A+ रिजल्ट आया माशाल्लाह। ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है, हजारों बच्चों के ऐसे रिजल्ट आते हैं। हाँ लेकिन हमें उन बच्चों से क्या लेना देना? क्या कहना चाहती हो, खुल के बात करो। सफर जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, और तुम्हें पता है कि उस यूनिवर्सिटी में सालाना फीस कितनी है? तुम्हें पता है साल का खर्चा उसका 17 लाख रुपए का है फीस? जी आपके लिए क्या महंगी है, आप तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, हमारा इकलौता बेटा है। क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई किसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, जरूरी है इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में जाइए? मगर अब्बू उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है, मुझे वहीं एडमिशन लेना है और वहीं जाना है। बेटा ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, कनात पसंदी बहुत जरूरी है, और ये जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना महंगी वाली, इसमें कुछ चांद से लोग नहीं आते पढ़ाने, यही हम जैसे आम लोग होते हैं, समझ गए? देखें हमारा बेटा माशाल्लाह से बहुत लायक है, मेहनती है, वहां से पढ़ के निकलेगा ना तो आगे जाके बहुत तरक्की करेगा। तरक्की करेंगे ये, खैर मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अगर पढ़ना है तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ो वरना जहन्नम में जाए। तुम नाश्ता तो करो ना बेटा। पता है शन, मेरा भी एक दोस्त है ओवैस, अम्मी उसकी छोटी सी दुकान है उसके अब्बू की, लेकिन उसके अब्बू ने भी उसकी बात रखी, और हमारे अब्बू वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, लेकिन उनके पास अपने बच्चों के लिए कोई दर्द नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को देना जानते हैं और कुछ नहीं बस। जफर जफर नाश्ता तो करते जाओ बेटा। जफर ईश्वर तुम कहाँ जा रही हो? भाई आप सफर की बात मान लेना, बच्चे का दिल टूट जाएगा। मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है, आप लोगों की भी तो इतनी मदद करते हैं। वो मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। तो बेटे को भी अल्लाह के लिए दे दें, अल्लाह कहते हैं ना अपने बच्चों पे खर्च करो। मुझे बहस पसंद नहीं है। सफर कहता है कि जितना आप उस पे पैसा खर्च करेंगे वो आपको लौटा देगा। लौटा देगा? शक्ल है उसकी लौटाने वाली। अरे भाई पूरी दुनिया सरकार की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती है, आगे बढ़ रहे हैं, इसको क्या तकलीफ है? सफर कह रहा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है। बार बार एक ही बात दिमाग पका दिया तुमने, बस करो, नहीं हो सकता ये। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? अरे बेटा तुम्हारे अब्बा अगर यहाँ नहीं है तो मैं जो हूँ, मैं खुद चल के तुम्हारा दाखला कराऊंगा। अरे पैसों की फिक्र मत करो, सब पैसे मैं दूंगा। हाँ हाँ मैं भी सफर की ख्वाहिश पूरी करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।
आओ इशरत, आज चांद कहाँ से निकल आया? अरे मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, तुम्हें तौफीक नहीं होती। क्या करूँ, कई बार आने का सोचा लेकिन तुम्हारे भाई साहब के पास टाइम ही नहीं होता जो हमें लेकर आए। ईशल देखो बेटा, तुम्हारी पुप्पो आई है। किसके साथ आई? वो ड्राइवर छोड़कर गया है, अभी 2 घंटे बाद लेने आ जाएगा। ऐसे थोड़ी जाने दूंगी खाना खाए बगैर। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ बेटा, आज भी किसी काम से ही मिलने आई हूँ। और हाँ, मैंने सुना था कि जफर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, सोचा उसे भी मुबारकबाद दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे भाई तो अभी काम से गए हैं। पप्पो क्या लाऊं आपके लिए, नाश्ता या कुछ? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं नाश्ता करके आई हूँ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। चाय तो बनती है, फिर मैं आपके लिए कश्मीरी चाय बना कर लाती हूँ। चलो ठीक है, चाय बना के ले आओ। सफर कहाँ है? उसे कहना कि पप्पो आई थी, बहुत खुश हुए उसकी पढ़ाई में मेहनत देखकर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। वैसे अब आगे कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा? वो कह रहा है कि जिधर जाहिद पढ़ता है ना, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ लेना चाह रहा है दाखिला, मगर तुम्हारे भाई नहीं मान रहे, कह रहे बहुत महंगी है। अरे क्यों नहीं मान रहे, और इस दर से जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, अपना पराया सबको देते, और बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मुझे इसी सिलसिले में आपकी तरफ आना था, आप ही अपने भाई को समझा दें कुछ। ये क्या बात हुई है? सब पे खर्च करता है और एक ही तो बेटा है उसका, अच्छी तालीम के लिए उस पे कुछ खर्च नहीं कर सकता। शुक्रिया। तुम्हें तो पता है ना कि अच्छे इदारों की डिग्री कितनी वैल्यू रखती है। ठीक कह रही हैं आप, यही तो जफर भी कहता है। आने दो उसे, पूछती हूँ उससे। अरे इतना खर्चा करता है, इधर उधर पैसे उड़ाता रहता है, अपने बच्चों के लिए नहीं है उसके पास पैसे? हाँ इशरत, नहीं है उनके पास तो हमारे लिए नहीं है। खातून आई थी, उसकी बेटी की शादी है, उसके जहेज से लेके उसके खाने पीने का सारा इंतजाम उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। पूरे मोहल्ले में उनकी दरिया दिली की वाह वाह हो रही है। नहीं है उनके पास कुछ तो हमारे लिए नहीं है, बस हमारे लिए ही उनका दिल तंग है। ईशान चाय ले आओ बेटा। और सुनाओ प्रा, क्या बात है, सोच में हो, चुप चुप हो, बोलो। यार बात दरअसल ये है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो कॉलेज ट्रिप पे जाना चाह रहा है, मेरा हाथ आजकल बहुत तंग है। अरे यार तो इसमें परेशानी की क्या बात है यार, हैं? जरूर भेजो उसको। बताओ कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें? दोस्त अगर 50,000 रुपए तक हो जाए तो। ये लो। लेकिन मैंने तो 50 मांगे थे, तुमने 60,000 का चेक लिख दिया। अरे यार भाई, 50,000 तुमने उधार मांगे, और अपने बच्चे से कहना वो भी मेरे बच्चों की तरह है, 10,000 चचा की तरफ से उसकी खर्ची है, खूब मजे करे, एंजॉय करे, है? दोस्त तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो, फरिश्ता हो। वो भी रहमत का, मैं बहुत ममनून हूँ यार तुम्हारा। अरे यार कोई बात नहीं, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मुझे इजाजत दो यार। अब रात बैठो यार, इतने दिन बाद आए हो, खाना खा के जाना। अच्छा ये बताओ, घर की कोई डिश चाहिए तो भाभी बना देगी फौरन, नहीं तो बाजार से ऑर्डर करते। जनाब आपके मेहमान नवाजी के किस्से तो आम है, फिर कभी सही। थैंक यू। चलो चलो ठीक, आ जाओ। ये लीजिएगा चाय। वो इशरत अब आई थी। अच्छा कब? आपके जाने के बाद कह रही थी कि
अगले माह तायरा की शादी है। तारीख पक्की कर दी उन्होंने? लो भला, आपके बगैर वो कैसे डेट फिक्स कर सकती हैं? भाई मेरे पूरे खानदान वाले मेरे मशवरे के बगैर कोई खुशी नहीं मना सकते, और मोहल्ले वाले और यार दोस्तों का तो पता है कैसी इज्जत करते, बिछे बिछे जाते। हाँ, वो सफर को भी मुबारकबाद दे रही थी, कह रही थी कि किसी अच्छे इदारे में पढ़ना। तुमने मेरी शिकायत लगा दी होगी उनसे, है ना? मैं भला आपकी क्यों शिकायत करूंगी, आप खुद पूछ लें इशरत आपा से। वो तो कह रही थी कि सखी बाप का बेटा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। रजिया बेगम, ये जो तुम्हारी चलाकियां है ना, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने आपसे कभी कोई चलाकी नहीं की, अगर मैं चलाक होती तो। तो क्या? अच्छा छोड़े, आप तायरा की शादी है तो हमें नए कपड़े बनाने होंगे, आप पैसे दे दें। नए कपड़ों के लिए पैसे? इतने कपड़े हैं तो सही। वो इशल कह रही थी कि आजकल के फैशन के हिसाब से बनाएंगे। क्या, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा पूरी फैमिली का, जरा चादर देखकर पैर फैलाया करो। ठीक है, 10,000 रुपए दे दूंगा, बना लेना कपड़े नए। 10,000 में होता क्या है, एक एक जोड़ा भी नहीं बनेगा हम तीनों का। और इशल तो कह रही थी उसकी वहां कजन्स सबने एक से बढ़कर एक जोड़ा पहना हुआ होगा। तो नए कपड़े पहनने से इंसान कोई आसमानी मखलूक नहीं बन जाता। अगर ज्यादा नखरे दिखाएगी ना ये तुम्हारी बेटी तो 10,000 रुपए भी नहीं दूंगा, समझ गई तुम? लोगों के लिए आप इतना करते हैं, अपने बच्चों के लिए आपका दिल तंग क्यों है? दिल तंग नहीं है, फजूल खर्ची पसंद नहीं है मुझे। हमारी जायज ख्वाहिश भी आपको फजूल खर्ची लगती है ना? तो ठीक है, फिर हम लोग भी शादी में नहीं जाएंगे। मत जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मत जाओ। नए कपड़े बना दे। अम्मी, अम्मी। हाँ जफर। अम्मी आपने अबू से बात की, क्या कहा अबू ने, मान गए वो? तुम्हारे अबू से बात करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम्हारी एडमिशन फीस का बंदोबस्त हो गया है। कैसे? ये जेवर, इन्हें बेचकर हम एडमिशन फीस निकाल लेंगे। लेकिन ये जेवर तो आपके और ईशल के हैं ना? हाँ बेटा, मेरा जेवर तो तुम हो, और तुम आला तालीम हासिल कर लोगे, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं अम्मी, ये मुनासिब नहीं है, अब्बू को मालूम होगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हारे अब्बू को मैं जवाब दे दूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, हम सुबह बाजार जाएंगे और इनको बेच कर आएंगे। अम्मी बहुत मसला होगा, प्लीज। अरे भाई कोई मसला नहीं होगा, मुझे तुम्हारी पढ़ाई अजीज है, हम सुबह ही ज्वेलर के पास जाएंगे। अम्मी ये तो बहुत जेवर है, मुझे सिर्फ 7,00,000 रुपए की जरूरत है, जब वो आराम से दे सकते हैं। ये 25 तोले, इसमें से 10 तोले का जो सेट है ना वो मेरे मायके का है। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, बाकी जेवर रख देंगे, फिर तुम्हारी पढ़ाई के काम आ जाएगा। अम्मी मैं इंशाल्लाह आपको इससे ज्यादा बनवा के दे दूंगा। मुझे इसका बदला नहीं चाहिए, मेरा बेटा आला तालीम हासिल कर ले, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा चलो सुबह चलेंगे। हाँ क्या बात है भाई, साहबजादे नजर नहीं आ रहे। अपने दोस्तों में गया है। उसके दाखले का क्या हुआ? ये तो आप अपने दिल से पूछें। इसका मतलब है पढ़ाई खत्म। आप तो यही चाहते हैं ना? ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब उससे कहो के कारखाने आए, मेरा हाथ बटा। मैंने कहा था लेकिन वो नहीं मान रहा। आवारा गर्दी करेंगे साहबजादे, हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, बड़ा भरोसा है ना तुम्हें अपनी औलाद पर, लेकिन रजिया बेगम एक बात याद रखना, अगर मैंने उसकी कोई गलत बात सुनी
तो मैं उसी वक्त उसको इस घर से निकाल दूंगा। वो मेरा बेटा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अरे हाँ, याद आया, वो तायरा की 15 दिन बाद शादी है। हम लोग तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सब लोग इतनी तैयारी से आए हुए होंगे और मेरे बच्चे ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएं। उन्होंने आपसे सिर्फ कपड़ों की ही फरमाइश की थी ना, जो आपने पूरी नहीं की। मेरे बच्चे कोई फरमाइश नहीं करते, तुम उनके मुंह में जबान देती हो। खैर, मैं सोच रहा हूं कि आयरा को एक सोने का सेट दूं और उसके शौहर को एक कीमती घड़ी। आपकी भांजी, जो दिल चाहे आप दीजिए, नहीं है तो आपके पास मेरे और मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ये तुम मुझसे किस तरह अकड़ के बात करती हो है? जरा सा मैंने अपनी भांजी को कुछ देने का कह दिया तो तुम्हारा मुंह बन गया। अरे इसमें तुम्हारे शौहर की बड़ाई होगी, पूरे खानदान में वाह वाह होगी। हाँ, मेरे बच्चे वही पुराने कपड़ों में जाएंगे, आपकी वाह वाह होगी तो हमें इसमें क्या फायदा होगा? अरे मेरा नाम ऊंचा होगा तुम्हारे शौहर का, तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी। तुम और तुम्हारे बच्चे जलते हैं मेरी शोहरत से, मेरी नेकनामी से। खाड़ में जाओ मेरी तरफ से तुम लोग। जी सर, क्या ऑर्डर है आप लोगों के? खबर, तुम इधर? सफर, तुम? ये सब क्या है बेटे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, अपनी जेब खर्च निकालने के लिए यहाँ पे जॉब करता हूँ एज अ वेटर। अगर क्यों सर, ये तो अब अपने दोस्त खिदवाई साहब से पूछें, जो अपने घर में तो मियाना रवि और सादगी का दर्स देते हैं लेकिन अपने पर वो दर्स लागू नहीं करते। तुम बैठो बेटा इधर। नहीं सर, मैं नहीं बैठ सकता आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरी जॉब मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आप जैसे बड़े लोगों के साथ बैठो। बस करो जफर। भाई ये सब क्या है, तुम तो दूसरों के लिए इतना करते हो और तुम्हारी अपनी औलाद, ये क्या बताएंगे? ये दोस्त आपके इतने मशहूर है ना, लोगों की मदद करने के लिए फौरन आगे आगे आ जाते हैं। इनकी अपनी औलाद अपने हक से महरूम है। आपको मालूम है अंकल, मैंने यहाँ पे जॉब किस लिए की? सिर्फ यही वजह थी कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस इनसे मांगी, जो उन्होंने मना कर दी, क्योंकि इनकी नजर में तो ये फजूल खर्ची है ना। मैं आना रवि नहीं है, क्योंकि हमें तो सादगी पसंद होना है, इसलिए। और मैंने तय कर लिया कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं इनका एक पाई अपने ऊपर लगने नहीं दूंगा। ये तो ये अंकल, मेरी बहन, मेरी मां अच्छा खाना खाने को, अच्छा पहनने को तरस चुके हैं, और अगर मैं इनसे कहूं ना तो ये साफ कह देते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्या जरूरत है इन फजूल खर्चियों की? इस वक्त जिस होटल में आप लोग खाना खाने के लिए आए हैं ना, उसका पर हेड 7,000 रुपए है और 2,000 रुपए वेटर की टिप। और जब आप यहां से खाना खाकर जाएंगे ना तो 23,000 रुपए का बिल अदा कर जाएंगे आप लोग। लेकिन ये तो फजूल खर्ची है ही नहीं। फजूल खर्ची तो वो है जो यूनिवर्सिटी की फीस है,
जो अच्छा कपड़ा है जो मेरी माँ को पहनना है, जो अच्छा खाना है जो मेरी बहन को खाना है। बस कर दो सफर, प्लीज बस कर दो। बोलने दो उसे, बोलने दो उसे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह करते हो। सच कह रहा है सफर, तुम अपनी बाबा के शौक में अपने घर वालों को नहीं देखते। दूसरे लोगों को खुश रखने के लिए तुम अपने घर और बच्चों के हुकूक तक भूल गए। ये तो चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल हो गई। किदवाई, तुम ना अच्छे शौहर हो ना अच्छे बाप, तो एक अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हो? ये है तुम्हारा असली रूप, तुम्हारा असली चेहरा। अरे बेटा। सर, ऑर्डर प्लीज।